मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के पटवारियों ने हड़ताल स्थगित कर काम पर लौटने का फैसला लिया है। पटवारी संघ के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार पटवारियों की मांगों पर विचार करे, जिसके बाद ये हड़ताल समाप्त कर दी गई है। करीब 18 घंटे से चल रही पटवारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। हड़ताल के चलते भोपाल समेत प्रदेश भर में 50,000 से अधिक का प्रकरण लंबित हो चुके थे। हड़ताल खत्म होने के बाद इन कामों में तेजी आएगी। हड़ताल कर रहे पटवारियों को एक दिन पहले ही तहसीलदारों ने भी समर्थन दिया था। प्रदेश भर के पटवारी गृह जिलों में तबादला करने, अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में तेजी लाने, पे ग्रेड बढ़ाने, वरिष्ठता प्राप्त पटवारियों को पदोन्नति देने, खाली पदों को भरने जैसी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। वहीं हाईकोर्ट ने पटवारियों को हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया था, जिसके बाद पटवारी संघ ने हड़ताल समाप्त कर वापस काम पर लौटने का निर्णय लिया है। पटवारी संघ अध्यक्ष उपेंद्र बघेल ने कहा कि कोर्ट के आदेश का वे पालन करेंगे। सरकार को कोर्ट ने आदेश दिया है कि वे पटवारियों की मांगों पर विचार करें। पूरा मामला यह है कि हमारी 18 दिन से जो हमारी हड़ताल चल रही थी, इस आंदोलन के संबंध में एक जनहित याचिका 3 लोगों ने मिलकर दायर की थी। वह जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में आज प्रस्तुत हुई है। उसमें हमारे वकील भी खड़े हुए थे और वकील ने हमारा पक्ष रखा है और उन्होंने अपना पक्ष रखा। महाधिवक्ता को तलब करके शासन का पक्ष भी सुना गया। सारे पक्ष सुनने के बाद न्यायालय ने यह निर्णय किया है कि 3 दिन के अंदर पटवारियों की मांगों को सुना जाए और उनका त्वरित निराकरण किया जाए। और इसलिए उन्होंने अंतरिम आदेश यह जारी किया है कि 3 दिन के अंदर पटवारियों को सुन के उसका शासन निराकरण करे। और अगली पेशी में 25 सितंबर को अगली पेशी ली गई रखी गई है, 25 सितंबर को उसका निराकरण किया जाएगा। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।